अरे भैया आ गए आप, इतना लेट क्यों हो गया? रास्ते में कोई दिक्कत हो गई थी क्या? मैडम वो बाहर बारिश हो रही ना, इस वजह से लेट हो गया। ये लीजिए आपका ऑर्डर। कितने पैसे हो गए इसके? 362 रुपये मैडम। 362 रुपये? आप एक काम करिए, बाहर ना बारिश बहुत हो रही है, तो आप थोड़ी देर मेरे घर के अंदर आ जाइए, बैठ जाइए, जब बारिश रुक जाएगी तब चले जाना। नहीं मैडम कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए ना, मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे दूसरा ऑर्डर भी डिलीवर करने जाना है। भैया जहाँ तक आपकी हालत दिख रही है और आप बता रहे हो बारिश बहुत तेज़ हो रही है, और इतनी बारिश में कौन ही ऑर्डर करेगा? आप एक काम करो, मैंने गर्मा गर्म चाय बना रखी है, आप अंदर आओ बैठो चाय पियो, 10-15 मिनट में बारिश भी हल्की हो जाएगी, फिर आप आराम से चले जाना। मैडम बात तो आपकी ठीक है, बारिश काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैडम आपके घर पे चाय है। देखिए भैया इतना मत सोचिए, मैं कोई भूत नहीं हूँ, आपको खाने जाऊँगी, आप बस थोड़ी देर बैठ जाइए, मैं आपके लिए ही कह रही हूँ, इतना मैं आपको पैसे भी निकाल के दे दूंगी, आ जाइए। ठीक है मैडम। अरे इसे कहाँ रख रहे हो, इसे भी तो लेकर आओ अंदर। गीला है लेकिन। कोई बात नहीं, गीला है तो क्या हो गया, साफ सफाई हो जाएगी, पोछा लग जाएगा, ले आइए, इतना मत सोचिए, आइए। आप बैठ जाइए, मैं तब तक चाय लेकर आती हूँ। क्या वो बैठ क्यों नहीं रहे? वो क्या है ना, मैं गीला हूँ तो आपका सोफा गीला हो जाएगा। अरे आप इतना क्यों सोच रहे हो, अगर गीला हो भी जाएगा तो वो साफ हो जाएगा। आप बैठ जाइए, कोई बात नहीं, चलिए बैठ जाइए, चाय लेकर आती हूँ। अरे भैया लगता है आपको जुकाम हो गया, कोई बात नहीं, आप तब तक चाय पीजिए। अरे आप बार बार शुक्रिया क्यों बोल रहे हैं, मैंने कोई अनोखी चीज थोड़ी ना करी है, अगर मेरी जगह कोई और भी होता ना तो वो भी यही करता। नहीं मैडम, हर इंसान आपके जैसा नहीं होता, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो सीधे मुंह मुझसे बात भी नहीं करते। जी मैडम। हेलो भैया कहाँ रह गए हो आप, एक घंटा हो गया ऑर्डर करे हुए, 15 मिनट का टाइम होता है डिलीवरी का। मैडम वो क्या है ना, बाहर काफी ज्यादा बारिश हो रही है, इसलिए मैं रुक गया था, बस लेके आ रहा हूँ, लिफ्ट के पास में ही हूँ। अरे तो बारिश हो रही है तो इससे मेरा क्या लेना देना, बारिश हो रही है तभी तो ऑर्डर किया है, वरना मैं खुद ना ले आती जाकर। जल्दी आओ, और अगर आप जल्दी नहीं आए ना तो मैं कंप्लेन कर दूंगी आपकी। नहीं मैडम ऐसा मत कीजिएगा, मैं बस पहुंच रहा हूँ, 2 मिनट में आ गया बस। ठीक है मैडम। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो मुंह पे दरवाजा बंद कर देते हैं। भैया एक गिलास पानी। बट कोई बात नहीं, क्योंकि दुनिया में हर कोई एक जैसा नहीं हो सकता, अब मैं अपनी तरफ से जितना कर सकती हूँ मैं तो उतना करूँगी, और वैसे भी आप लोग हमारी तरह तो है, बल्कि आप लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारा ही काम आसान कर रहे हैं, तो शुक्रिया तो मुझे लगता है मुझे आपका करना चाहिए। चलिए लगता है बारिश रुक गई, मैं चलता हूँ। आराम से जाइएगा।